ये अब हम ब्रिज की दूसरी साइड पे आ गए। बहुत ही खूबसूरत मनाजर है यहाँ से। ये एक टनल है जो इस हिल के नीचे से गुजर रही है। इस हिल के ऊपर ये जो है कैसल है, बुड्ढा कैसल। ये यहाँ कैसल के ऊपर जाने के लिए, कैसल के ऊपर जाने के लिए फनिकुलर भी है। आप यहाँ से टिकट लेके यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। वो देख सकते हैं आप, ये ट्रेन जो है वो ऊपर जा रही है। और इधर से एक पैदल रास्ता है, हम वो जो है पैदल रास्ता लेंगे। और ये फनिकुलर के साथ से एक साइड से रास्ता जो है ये ऊपर जा रहा है। हम पैदल भी इधर से जा सकते हैं, तो गाड़ी और गाड़ी से भी ऊपर जा सकते हैं। और काफ़ी स्टीप चढ़ाई है यहाँ पे। सर्दी है, रश नहीं है ज़्यादा, टूरिस्ट नहीं है, बहुत कम है, ज़्यादातर लोकल्स हैं। और ऐसी जगहों पे तो आप देख रहे हैं कि आप सड़क खाली पड़ी ऊपर जाने वाली, क्योंकि ऊपर जाने वाला कोई नहीं है इस वक्त। हैं इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है। ये ऊपर जाते हुए इसका कैसल का पहला दरवाज़ा आके, इसका मतलब है कि हम करीब करीब पहुँच गए। ये किले की दीवार है, बल्कि ये सारी दीवार ही जिसके ऊपर हम जा रहे हैं चलते हुए। किसी ज़माने में यहाँ बादशाह घोड़ों पर बैठ के गुजरा करता था, ऊपर अपने महल में जाया करता था। बग्घी चढ़ जाती होगी उसकी क्या थी यहाँ पर, जितनी जितनी चढ़ाई है मुझे नहीं लगता कि बादशाह घोड़े पे एक्सरसाइज करने जाता था घोड़े पे। यहाँ पे शहर की फसील से, इसकी कले की फसील से देखें कि शहर इंतहाई खूबसूरत नज़र आ रहा है मुझे। देख सकते हैं ऊपर लोग जो हैं वो फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। अब मैं ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच गया हूं। काफ़ी लंबा रास्ता था, काफ़ी स्टीप चढ़ाई के बाद। और ये देख सकते हैं ऊपर से कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है ये कले की। और ये यहाँ से नीचे जो दरिया के ऊपर ब्रिजेज हैं शहर के, बड़े खूबसूरत नज़र भी आ रहे हैं। और यहाँ के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि लोग यहाँ पर बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं। सामने जो आपको एक नज़र आ रहा है स्टैचू, इसका नाम सिटाडेल है। वो भी एक मॉन्यूमेंट है यहाँ का, बुदापेस्ट का बड़ा मशहूर। और वो जो है वो बुदापेस्ट का सबसे ऊंचा मुकाम है।
ये इसका एक और हिस्सा इस कैसल का, और बड़ा खूबसूरत आर्किटेक्चर है सारा इसका। हर तरफ से बड़ा ही खूबसूरत नज़र आते हैं, हर तरफ से इसके अपने अलग खूबसूरत मनाजिर हैं। बड़ी प्यारा आर्किटेक्चर है इसका सारा, इसकी हिस्ट्री है एक बहुत लंबी, क्योंकि ये सारी एक ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर थी, यानी कि ऑस्ट्रिया और हंगरी जो है वो एक बहुत बड़ी एम्पायर होती थी। जो ऑस्ट्रिया का बादशाह है वो यहाँ का भी बादशाह होता था, ये सारी उसकी सल्तनत थी। ये सारा जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इसको दर्जा मिला हुआ है, ये इसकी सारी ये डिटेल लिखी हुई है। और ये ऊपर ऐसे लग रहा है कि कुछ छोटी बैरकें वगैरह सी बनी हुई हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ ऊपर की तरफ। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि यहाँ से जो सिपाही वगैरह है वो आगे को होकर यहाँ से फायर वगैरह कर सकते हैं। ये सारा यहाँ से नज़र आता है नीचे कि वो यहाँ से देख भी सकते थे किले के बाहर क्या हो रहा है। इस तरह थोड़े थोड़े फासले पे जो है वो बने हुए हैं मोर्चे से, और ये सारा जो है वो आगे तक बना हुआ है। ये देखिए काफ़ी तंग सी सीढ़ी में मुश्किल से एक आदमी जो है यहाँ पे गुजर सकते हैं इन पे। चलें अब यहाँ से नीचे जाते हैं और उसके बाद फिर शहर में और कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ये मैं आ गया हूँ उधर से, वो कैसल के ऊपर से यहाँ ब्रिज से होते हुए दोबारा नीचे, और अब जो है आगे दोबारा शहर के अंदर जाने लगे हैं, और उसके बाद फिर एक घंटे तक इंशाल्लाह वापस निकलते हैं वापस वियना की तरफ। सारा पेडेस्ट्रियन एरिया, मुख्तलिफ यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स हैं, कैसीनोज हैं। ये है इधर फैशन स्ट्रीट बुदापेस्ट की, और ये है इसका नाम है वासी उत्सा। थोड़ी देर बैठ के कॉफ़ी वगैरह पी ली, थोड़ा सा रेस्ट किया है, और वापसी की ट्राम पकड़ते हैं और देख जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे हम गाड़ी खड़ी करके आए थे। अच्छा वक्त गुजर जाता है एक दिन के लिए जब बंदा आए फैशन स्ट्रीट बुदापेस्ट। यहाँ पे फैशन आउटलेट्स हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स की। वैसे अभी यहाँ पे और भी बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं जहाँ पे जा सकता है इंसान, लेकिन ये है कि अगर एक दिन के लिए आना है तो तब भी काफ़ी चीज़ें एक दिन में बंदा कवर कर सकता है, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है एक बड़े शहर को एक दिन में आप मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर नहीं कर सकते, लेकिन ये कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, तो आप उस हिसाब से अपनी चॉइस के मुताबिक घूम भी सकते हैं। यहाँ पे आर्टिस्ट अपना म्यूज़िक वगैरह बजा रहे हैं, लोग खड़े होकर उनका म्यूज़िक सुन रहे हैं। यहाँ पे जगह जगह भी इस तरह खड़े हैं लोग। जी तो अब जो है यहाँ से बुदापेस्ट से वापसी का सफ़र शुरू कर लिया है, ट्राम के मेट्रो के स्टेशन पे वेट कर रहे हैं, मेट्रो आ गई है जिस पर हमने जाना है, और ये हमें ले जाएगी हमारी पार्किंग लॉट पर, यहाँ गाड़ी खड़ी है, उसके बाद हम वहाँ से ऑस्ट्रिया की तरफ चले जाएंगे। तो बुदापेस्ट का सफ़र अब ख़त्म हुआ,
अब जा रहे हैं वापस, आखिरी स्टॉप पे आ गए हैं। यहाँ से बाहर गाड़ी खड़ी है, वहाँ से पकड़ते हैं और ऑस्ट्रिया की तरफ निकलते हैं। इधर जाना तो अभी के लिए फिर आप गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय, फिर मिलेंगे।